हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साजन है। मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं आज आप लोगों को फैसलाबाद के मशहूर पार्क की सैर करवाता हूँ। तो आइए चलते हैं हम मिलके वहाँ पे। फ्रेंड्स, तो मैं अभी पहुँचा हूँ चूड़ मारा मोड़ पे। ये यहाँ से लंडा शुरू होता है और पहले लगता था उधर वो जनरल हॉस्पिटल के सामने, अभी इधर से शुरू होता है। ये देखिए सारा पीछे लंडा लगा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं सारे लंडा में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये तो सड़क आती है और ये जो वाली सड़क है ये आती है नड़वाला चौक से, ये सीधी इधर आती है चूड़ मारा मोड़ पे। तो अभी इधर से लंडा शुरू हो गया है, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। सब्जियों के लिए व्यापार लगी हुई है, तो यहाँ पर भी खाना पीना भी होता है, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो यहाँ से रक्षे लगे हुए हैं, यहाँ पर रक्षे लगे हुए हैं, ये जाते हैं अनासी को। ये पीछे रक्षे लगे हुए हैं, ये अनासी की तरफ जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं लंडा में। तो ये उसके पीछे है वो वाला क्लीन चीज पार्क है, वहाँ पर पहले पहाड़ियाँ होती थी। तो आपको मैं इसके अंदर का नज़ारा भी करवाता हूँ जाके। वहाँ पार्क में पहले पहाड़ होते थे, लेकिन अभी तो लोग सैर तफरी के लिए आते हैं। वहाँ पे भी अभी लंडा लगता है, वहाँ पे भी लोग खरीदारी करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम भी उधर बाज़ार में जाते हैं, तो पार्क में जाते हैं, पार्क में जाकर देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ से ही हम जा रहे हैं पार्क की तरफ, तो पार्क में जाकर थोड़ी सैर तफरी करते हैं। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है, यहाँ पे लोगों का हर वक्त लोगों का रश ही लगा रहता है। यहाँ पे गाड़ियों का स्टैंड लगा हुआ है, तो लोग आते हैं यहाँ पे खरीदारी करते हैं। पीछे सारा लंडा बाजार है, अभी हम आपको लंडा बाजार का भी सैर करवाते हैं। इधर हर तरफ देखिए पीछे शर्टें लगी हुई हैं, सभी लंडा बाजार है। ये पार्क के सामने भी शर्टें लगी हुई हैं, उधर भी शर्टें लगी हुई हैं, हर तरफ ये बहुत बड़ा बाजार है। ये यहाँ पे देखिए पीछे आपको नज़र आ रही हैं पेंटें लगी हुई, तो यहाँ पे भी हर चीज़ होती है। पीछे क्लीन चीज पार्क है, हम पार्क के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पे भी लंडा लगा हुआ है। तो अभी हम पार्क में थोड़ी देर बैठते हैं जाकर। तो फ्रेंड, मैं अभी शहबाज शरीफ पार्क के गेट के सामने मौजूद हूँ, पीछे आपको नज़र आ रहा है गेट उसका। फ्रेंड, ये क्लीन चीज पार्क का गेट है। ये तो फ्रेंड ये पार्क का गेट है। ये लेफ्ट साइड पे सुबहाना मस्जिद है, तो पीछे देखते हैं सुबहाना मस्जिद है। मेमोरियल रोड जाता है, ये सीधा कब्रिस्तान जाता है। वो जो सुबहाना मस्जिद के साथ में रोड है वो कैम्पसाइट की तरफ जाता है, दरबार है वहाँ कैम्पसाइट का। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको दरबार में बनाऊंगा। फ्रेंड्स, तो मैं अभी शहबाज शरीफ पार्क के करीब हूँ, वो पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है उसका। और ये जगह है, सारे जंगला लगा हुआ है। यहाँ पे सभी मकान थे इसके, यहाँ से दूर तक वहाँ तक इसके मकान थे सभी। तो ये बड़ा खूबसूरत पार्क बन गया है, देखिए। यहाँ पे हम गेट से अंदर जाते हैं, तो अभी हम गेट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे हम जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये बड़ा खूबसूरत बाहर है, सैर तफरी के लिए बड़ा अच्छा बनाया गया है। ये इनकी बाहर दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं, चलो पार्क में जाकर हम भी देखते हैं वहाँ पे क्या सूचते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये क्लीन चीज पार्क है। तो फ्रेंड्स, अभी हम दाखिल हो चुके हैं शहबाज शरीफ पार्क में। मैं अभी पार्क के अंदर दाखिल हुआ हूँ। ये इसके अंदर का नज़ारा है, तो यहाँ पे लोग सैर तफरी के लिए आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये नज़ारा है सभी शहबाज शरीफ पार्क का। यहाँ पे देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और ये देखिए सभी कितना खूबसूरत पार्क अभी बन गया है। अभी तो यहाँ पे पानी खड़ा है, तो गर्मियों में जब आते हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अभी सर्दी भी है तो लोग भी अभी कम है, और पानी भी लगाया हुआ है। यहाँ पे फिर रहे हैं, ये देखिए बड़ा खूबसूरत पार्क है। यहाँ पे भी पानी लगा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सभी देखिए बैठे हैं, हम भी चलो थोड़ा सा नज़ारा लेते हैं यहाँ का। यहाँ पे लोग आए हुए हैं सैर तफरी के लिए, यहाँ पर लोग बैठे इंजॉय कर रहे हैं। देखिए हमारे चारों तरफ इधर लोग बैठे हैं। ये इसके अंदर का नज़ारा है क्लीन चीज के। फ्रेंड, जो पीछे जगह है वहाँ पे पहले पहाड़ियाँ होती थी,
अभी इधर पहाड़ियाँ नहीं है, वैसे ही पड़ा होगा। यहाँ पे ये वो पार्क है जहाँ पे इमरान खान ने पिछले दिनों में जलसा किया था आके। ये फैसलाबाद नडवाला चौक का बड़ा मशहूर पार्क है यहाँ पे। यहाँ पे लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं और जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे देखिए आप पीछे झूले लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग झूले ले रहे हैं। तो आए देख रहे हैं इधर को लोग सैर व तफरी के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे पानी लगाया हुआ है। तो वो आपको देख रहे हैं कि बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। सैर व तफरी के लिए ये बहुत अच्छी जगह बन गई है। और ये पहले क्या था, आज से 10 साल पहले, अभी देख लीजिए क्या है। पहले तो ये जंगल हुआ करता था, लोग यहाँ पे नशा करने के लिए आते थे, दूर दूर से लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते थे यहाँ पे। वो जो दूसरी साइड है मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी लोग क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। अभी वहाँ पे जो मेरे आगे जो साइड है वहाँ पे तालाब था, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे। तो अभी आपको वो भी दिखाते हैं जगह। थोड़ा स्टैंड हो गया ना, बल्कि सेल्फी स्टैंड लगना तो है भी है। तो फ्रेंड्स ये वाली वो जगह है, देखिए ये पहले तालाब था, अभी इसका भी देख ले, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आते थे पहले मछलियाँ पकड़ते थे यहाँ पे आके। तो ये तकरीबन 1999 या 1998 की बात है। तो उसके बाद ये तो ऐसे ही पड़ा है। वो दूसरा था उसका, तो वो पार्क बन गया है। यहाँ पे इनका क्या हाल हुआ है, वो जो पीछे आपको इनका गेट नज़र आ रहा है, ये सारा जो हिस्सा था ये सभी तालाब था पहले में। तो हम भी वहाँ पे, वो आपको पीछे दीवार नज़र आ रही है, वहाँ से हम आते थे कूद के। तो इसका गेट एक इस तरफ भी है, हम इधर से भी आ सकते हैं। और एक गेट उधर से, जब भी हम आए हैं वहाँ पे, एक गेट उधर है उसका। तो अभी इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ तो ना, पानी भी नहीं है यहाँ पे। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, ये मछलियाँ पकड़ते थे यहाँ पे आके। तो इनकी सूरत हाल तो बहुत ही बुरी हो चुकी है पहले से। तो आइए आपको आगे भी दिखाते हैं। ये तो फ्रेंड ये पार्क है, यहाँ पे फिलहाल तो अभी पानी लगा हुआ है। पानी लगने की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो वो अपना यहाँ पे आके स्टडी करते हैं। और ये जट्टा वाला चौक से गेट भी आता है, और ये वो दूसरा जो गेट है वो सुबहानला मस्जिद से आता है, और ये जो है ये जट्टा वाला चौक से सीधा आता है मदीना चौक वाली सड़क है ना जो। तो अभी हम आपको गेट भी दिखाते हैं इनका। सामने फ्रेंड्स सुबहानला मस्जिद है, वहाँ पे बाहर दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने के लिए। और वो देखो आपको नज़र आ रहा है मंजर, ये सुबहानला मस्जिद का मंजर है। ये लोग तो इनके करीब ही इनका गेट है। तो अभी हम जहाँ से आए थे ये इनका गेट है जी। तो फ्रेंड मैं अभी पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पीछे देखिए आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, खिलौने लगे हुए हैं, यहाँ पे किसियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे लोग किसियाँ लेते। तो ये देखिए लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं फुली। तो सैर व तफरी के लिए बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है ये। यहाँ पे ये बहुत बड़ा पार्क है, ये नडवाला चौक है जो उसके बिल्कुल करीब ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट लोग हैं जो यहाँ पे, इधर कॉलेज भी है, इधर कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ ये मेरे सामने जो है यहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे आके स्टडी भी करते हैं। तो स्टडी में आके यहाँ पे तफरी भी आके बैठते हैं। तो अभी लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है बच्चों के लिए। अभी तो फ्रेंड्स रश नहीं है यहाँ पे, तो अभी पानी खड़ा है पार्कों में सभी, तो इस वजह से रश नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सीढ़ियाँ हैं उनकी, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके थोड़ा सा नज़ारा करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग आते हैं इंजॉय करते हैं, तो खेल कूद मस्ती वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर जो आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ही आते हैं, कॉलेज है यहाँ पे। तो
फ्रंट से ये पार्क के अंदर का नज़ारा है, वो पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है और इनका एक गेट इधर से आता है। ये डिगलचपुरा है, ये नाटवाला चौक है, नाटवाला चौक का बहुत मशहूर पार्क है ये। तो एक गेट है इधर से आता है इनका, तो एक गेट है इनका पीछे है इधर, ये देखिए आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। इनके दो गेट हैं, आप जहाँ से चाहें जा सकते हैं। अभी इनमें यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है तो लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए हम भी चलते हैं अभी वापसी पे, तो हमने जाना है उस गेट से, पीछे गेट से। तो चलिए चलते हैं हम भी अभी वापसी पे चलते हैं। गर्ज नहीं बस इश्क हुआ है, कोई मर्ज नहीं। शिवाचरी पार्क के बाहर वाला हिस्सा है गेट के बाहर, ये दुकानें लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे जूस लगा हुआ है। ये तो फ्रेंड्स ये था पार्क, अभी मैं पार्क से बाहर आ गया हूँ, अभी हम चल रहे हैं वापसी पे। ये यहाँ पे पार्क है, बड़ा मशहूर पार्क है ये, यहाँ पे पिछले दिनों में इमरान खान ने यहाँ पे आके जलसा किया था। तो अभी हम भी चलते हैं वापसी पे, वहाँ पे होटल है सामने, सामने जो है बाजार है, ये पीछे आपको रक्षे नज़र आ रहे हैं जाते हुए। तो यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। चलिए अभी हम भी वापसी पे चलते हैं। वो सामने से बारला मस्जिद है, वो जो रोड जाता है वो कब्रिस्तान की तरफ जाता है सीधा, और जो राइट साइड पे जाता है वो कैम्पसाई की तरफ जाता है, कैम्पसाई के दरबार की तरफ। तो अभी ये देखिए ये पार्क का गेट है, ये शहबाज शरीफ। जी तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं वापसी पे, तो अभी हम लेते हैं यहाँ से रिक्शा, तो जाते हैं गुलामाबाद को, यहाँ से रिक्शा लेकर हम जाते हैं अभी गुलामाबाद को, वापस जाते हैं। चलिए हम लेते हैं रिक्शा, तो अभी चलते हैं वापसी पे। तो फ्रेंड्स ये फैसलाबाद की मशहूर जगह है, ये लाडवाला चौक है ये। आप सर मैं भी रिक्शा, अगर मेरा कोई